रहे थे कि कांग्रेस आनी चाहिए थी या भाजपा? आनी तो भाजपा, कांग्रेस ही आनी चाहिए थी। बच्चे हमारे दो हैं, इसके छह कर रहा है, हम टैक्स भर रहे, हम इनको पैसा इनको जा रहा है, खाने को है नहीं, दस बच्चे पैदा कर रहे हैं। पहले जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, हाँ ये तो होना चाहिए। वहाँ कोई से भी सरकार ने गरीब बोलोगे कभी कुछ नहीं किया है। साधु संतों को जेल और बाकी को जितने भी नेता भी नेता सबको बेल। गिना घटने की जगह महंगाई बढ़ गई, घटनी चाहिए था सरकार जीतने के बाद, तो महंगाई तो और बढ़ गई। तीसरी बार मोदी सरकार बन गई है, कैसा लग रहा है? देखो मैम, सरकार की तो ये है कि अगर मोदी सरकार में अगर देखा जाए ना, तो सारी गरीब लोगों को यही समस्या आएंगी। ये सोच लो क्यों गरीबों की झुग्गियाँ झोपड़ी हटाई जा रही होंगी, ना रहने को ढंग से कोई घर आएगा, ना लाइट आएगी, ना पानी है, कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी तो नहीं है। गलत तरीके से रहोगे तो फिर हटाई तो जाएंगी। कौन गलत तरीके से? सरकारी जमीनों पे रहोगे तो हटाया तो जाएगा जी, सरकारी जमीनों पे रहोगे तो हटाया जाएगा। तो वो तो हजारों पब्लिक रह रही है मैम। हाँ तो फिर तरीके से कमाना चाहिए, जगह पे जहाँ पे रेंट लेके रह सकते हो वहाँ पे भी पैसे देने पड़ते हैं, तो सही जगह पे रहो, सरकारी जगहों पे झुग्गी बना के सही तो नहीं है। रेंट पर लोग वही रह सकते हैं जिसकी महीने में 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी होगी, जो महीने का डेली का 200-250-300 रुपये कमाता आएगा वो रेंट पर रह सकता है, बताइए आप ही। तो फिर ऐसे सरकारी ज़मीनों पर रहना सही नहीं है, फिर आप अपने गाँव पर या कहीं पर रहो। अगर आप यहाँ आके सरकारी जगहों पर कब्जा कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। देखिए पब्लिक एक बाहर निकलती है, गरीब लोगों के लिए तो भाई सरकार आवास भी दे रही है। क्या दे रही है? अपने अपने घर पे, आप अपने अपने गांव में आवास के लिए योजना है प्रधानमंत्री योजना से आवास। मुझे नहीं लगता कुछ भी सरकार ने किया है, कोई से भी सरकार ने गरीब लोगों के कभी कुछ नहीं किया है, यहाँ सब दिख रहा है। कांग्रेस ने भी नहीं जी? नहीं। उम्मीद किससे? उम्मीद तो मैम किसी से नहीं है, बस उतना ही है गरीब लोगों के लिए उम्मीद कि अपना खा रहे हैं और अपना कमा रहेंगे। सरकार से कोई भी उम्मीद अगर होती है ना तो बंदा हंस के बोलता है कि हाँ सरकार ने हमारे साथ में ये करा हैगा, जब सरकार ने कुछ किया ही नहीं तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं किया सरकार ने, राशन दे रहे हैं। क्या दिया? कुछ नहीं दिया, बुझा के मैं तो यहाँ अकेला खड़ा हूँ, अंदर जाकर देखो हजारों पब्लिक पड़ी हुई है। मैं जाके आ चुकी हूँ अंदर जी, झुग्गियाँ लगा के, ना लाइट है ना बिजली है, वहाँ पे कैसे पुल के नीचे में कैसे लाइट और बिजली पानी मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अरे वो जगह है रहने की, आप सरकारी जमीन के नीचे रह रहे हो, वो जगह है रहने की, तो ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। आप रहोगे आप जगह पे अगर कमा पा रहे हो, जिस समय सरकार का काम पड़ता है ना हम जैसे गरीबों के पास, उस समय आते हैं वोट मांगने के लिए और कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी जहाँ है वहीं रहेगी। उनके बाद पे तो बहुत सारे लोगों का तो दिल्ली में वोट भी नहीं है, वो तो ईटा के हैं, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश का कुछ नहीं, तो उनसे कहा जाए ना जिनके सब कुछ है, पूरा जन्म भूमि यहाँ बीत चुकी है, कि उनसे क्या कह रहे होगे? उनसे तो कहना चाहिए ना, यहाँ कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, कितनी बार पेपर में लिख के दे दिया, क्या कराया किसी ने? बहुत लोगों को तो दे भी देते हैं तो रेंट पे लगा के झुग्गी में चले आते हैं जी, बहुत लोगों को सरकारी मकान भी देती है तो रेंट पे दे देते हैं, यहाँ तो ना तो कुछ मिला है ना रेंट पे दिया किसी के लिए। लेकिन ये तो गलत तरीका है, आप अगर पुल के नीचे में रहेंगे तो वो सही नहीं है ना, आपके लिए भी खतरा है, तो सरकार के लिए जगह देनी चाहिए रहने के लिए। पुल के नीचे नहीं रहेंगे लेकिन गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना कि कहाँ जगह देनी चाहिए गरीब लोगों के लिए। लोग कमाएंगे, सरकारें कितना देंगी आपको, कमाना तो पड़ेगा। अरे वो तो मालूम है कि बगैर कमाए हुए कोई किसी को नहीं देता आएगा, ठीक है? अगर आपके पास परिवार है, आपके आप अकेले, आपके तीन बच्चे हैं, तो सरकारें कहाँ से उसको देंगी? आपको कमाना तो पड़ेगा, बच्चे अगर पैदा कर सकते तो आपको कमाना भी पड़ेगा उसके लिए। चाहे तीन बच्चे हों चाहे 300 बच्चे हों, मैम कमाना फिर भी पड़ता है जमीन। सरकार से आप ये उम्मीद कर सकते हैं जो राशन और शिक्षा और स्वास्थ्य वो फ्री में आपको दे, ठीक है? और क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते मेरी तो आपके हिसाब से सरकार ने आपके लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है। विकलांग को वो मिल रहा है पेंशन? कुछ नहीं मिल रहा मैम, कुछ नहीं मिल रहा, मिल ही नहीं रहा। सरकार के पास जाते हैं कभी बोलते हैं कल आना, कभी बोलते हैं ये डॉक्यूमेंट करो, कभी ये करो, ऐसी भाग दौड़ में ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है गरीबों की। डॉक्यूमेंट नहीं है पूरे? सारे डॉक्यूमेंट आएंगे, सब कुछ है, लेकिन कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है काम अच्छा करेंगी या कैसा करेंगे काम? देखो जी ऐसा है, पहले भी ऐसे ही थे और आपके भी ऐसे ही। उम्मीद क्या था, मोदी सरकार आएगी या नहीं आती? अब कहते तो हमें ये है कि अच्छा है काम करें, मोदी सरकार अच्छा है, अगर आ गई तीसरी बार तो काम करें अच्छा है। मोदी सरकार ने काम किया था जो 10 साल थे, गरीब आदमी के लिए तो कुछ नहीं करा जी, बताओ करा हो तो? कुछ नहीं किया। क्या करा है बताओ? कहेंगे तीसरी बार मोदी सरकार आ गए? मोदी सरकार आ गई, ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। क्या क्या लग रहा है कि अब इस बार काम होनी चाहिए 5 साल?
सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण का काम होना है। अच्छा। उसके बाद में सारे, और फिर रोजगार का मामला है। फर्स्ट नंबर पे ये काम इंदिरा गांधी ने किया था जनसंख्या नियंत्रण का। जबरदस्ती सबका नसबंदी करवा रही है। कंट्रोल तो करना चाहिए ना आदमी को, जबरन। मैडम हम तो, बच्चे हमारे दो हैं, इसके छह कर रहा है, हम टैक्स भर रहे, हम इनको पैसा इनको जा रहा है, मंदिरों को सारा पैसा इनके पालन पोषण में जा रहा है। सबको लिमिट में करिए ना, सबको रोजगार दीजिए, बच्चे कम होंगे, सबको आवास मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। नौकरी है ही नहीं गरीब आदमी के लिए, कुछ नौकरी है ही नहीं। कि जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, जनसंख्या बहुत है। तो जनसंख्या तो उसमें क्या नाम है, नौकरी है ना गरीब आदमी के लिए, बताओ क्या आपको लगता है कि जनसंख्या है? जनसंख्या तो है ही, क्या करें, एक दो बच्चे के जगह पे दस दस बच्चे हो रहे हैं। और क्या, अभी भी है। साधु संतों को जेल, और बाकी को जितने भी नेता भी नेता सबको बेल, और साधु संतों को जेल। कौन कौन साधु संत हैं? बापू आसाराम जी से आशीर्वाद लिया हुआ है, उनके बदौलत सरकार में मोदी वहां सरकार। आसाराम रेपिस्ट है, उनको क्या करना चाहिए? रेपिस्ट आपको ही पता है ना, हमें उसके शिष्य है, हमें पता कितनी गहराई में है, क्या हिसाब क्या है, जरा बताइए। आपकी बहनों के साथ ऐसा हुआ रहता? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, आश्रम में करोल बाग जाकर देख जाए, रात को भी रह लेना लड़के। आसाराम को गलती से रखा हुआ, गलती से रखा हुआ है, ये क्रिश्चियन वगैरह के इनको जो है ना पॉलिसी है। ये सत्संग में हमें क्या बताया जाता है कि हिंदू हिंदू रहो, क्रिश्चियन ना बनो। अरे वो लड़कियों के, क्रिश्चियन की लड़की हो या मुस्लिम की लड़की हो या हिंदू की लड़की, बिल्कुल छेड़छाड़ किया, टोटल 101% फ्रॉड है वो। अच्छा, तो आसाराम को निकाल दिया जाए? किसको? आसाराम जी को जेल से, उनके बदौलत सरकार बनी है। जब नेता भी नेता को बेल मिल सकती है 10 दिन में, उन्हें जाओ उनका रफा दफा हो गया मामला तो उन्हें क्यों? अरे उनपे चार्जेज है, रेप के चार्जेज है, बहुत सारी चीजें, मोलेस्टेशन के चार्जेज है, मोलेस्ट किया है उन्होंने, शोषण किया। मैडम आप डीपली नहीं जा रहे उस बात पे, आप मुझे डीपली बताओ ना, जनता जानना चाहती है। कि उनको एक राजनीति के तहत जो है ना, साजिश के तहत फंसाया गया है। उससे क्या फायदा हुआ राजनीति को? राजनीति का कांग्रेस ने फंसाया उनको, सोनिया ने फंसा दिया है? क्या सोनिया गांधी ने क्या फंसाया? सोनिया गांधी खुद भ्रष्ट है, यहाँ पे आईटीओ पे एक बिल्डिंग है वो कब्जा कर लिया। आसाराम ने जैसा काम किया है वो आपकी बच्ची या आपकी माँ बहन के साथ करते सही रहता? हाँ या ना? कर ही नहीं सकते ऐसा, तो लगा है वो उस पे आरोप लगा। आप जो है ना, आप आपको नहीं पता हम कितने सालों से जुड़े हुए, हमें पता है ना उन बात। आप कितना भी जुड़े हुए, उन पे आरोप लगा है, वो जेल में है, कानून अगर सजा दिए तो उन्होंने सही कानून से बढ़ के गलत है। आसाराम बापू का आप समर्थन दे रहे हैं? हाँ मैं दे रहा हूँ। और कोर्ट ने जो उनको सजा सुनाई है वो गलत सुनाई है? कोर्ट ने जो वहाँ पे एविडेंस पैदा हो रहे हैं ना, कोर्ट ने सही किया, लेकिन वो गलत है, वो जबरदस्ती उनको फंसाया गया है वहाँ पे। कोर्ट अपना नहीं, अरे कोर्ट ही कौन सा उसका धुलावा है, रिश्वत खोरी का मामला हर जगह, कौन से जगह भ्रष्ट है, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी भ्रष्ट है, कितने हैं उसके अंदर भी, मैं भुगत भोगी हूँ, मेरा हिसाब किताब नमटवा दो, 70 साल चल रहा जमीन का, डीएम भी भ्रष्ट, एसडीएम भ्रष्ट, सारे कर्मचारी भ्रष्ट हैं। मोदी जी, मोदी का मोदी को पता होगा, मोदी जी भ्रष्ट नहीं है सरकार, अगर मान लीजिए सोनी, मोदी जी को नहीं कह सकते, इतने डर क्यों? मेरे साथ नहीं हुआ है सब, मोदी जी के साथ में। अगर आप सोनिया गांधी पे बोल रहे हैं तो आप मोदी जी के बारे में अच्छा ही है बुरा कहिए, अच्छा ही कहिए, वो अच्छे मोदी जी अपनी जगह ठीक है, ठीक है हाँ। लेकिन जब एक नेता भी नेता को बेल मिल सकती है, क्या कौन कौन नेता भी नेता को बेल मिला है? सलमान खान क्या हुआ उनपे, तो अभी चल ही रहे हैं, वो तो जा ही रहे। कंगना रनौत क्या हुआ? क्या हुआ कंगना रनौत पे? मिनट में उसके रैपट मार दिया लड़की ने, उसकी मां ने उसको बोला 100 रुपए के बट्ठे दल ले यहाँ पे, उसमें क्या नाम है वो, जब यहाँ पे किसानों का आंदोलन हुआ, 100 रुपए दलाल बैठे हुए यहाँ पे, रनौत के सपोर्ट में बोल रहे हैं, मार दिया 15 मिनट में उसे नौकरी से बाहर कर दिया। सपोर्ट में बोल रहे हैं या विरोध में बोल रहे हैं कंगना रनौत? मैं तो सही बात बोल रहा हूँ, चाहे विरोध में समझो चाहे सपोर्ट में समझो। लेकिन आसाराम बापू आपके हिसाब से सही है? हाँ बिल्कुल, आप उनके शिष्य हैं हाँ। अगर जैसा उन्होंने उनपे चार्जेज लगे वो आपकी माँ बहनों के साथ हो तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों लगेगा, हम तो रेपट मारेंगे आसाराम बापू को। क्यों मारेंगे आसाराम बापू को? माँ बाप गुरु जीवन में एक दफा मिलता है, माँ बाप ऐसा कुछ होगा तो आप आसाराम बापू को रेपट मारेंगे या नहीं मारेंगे? क्यों वो करते नहीं करेंगे वो आप उनके दिल में घुस के देखे, दुनिया को वो शिक्षा दे रहे हैं, उनके सबके लिए भलाई का काम कर रहे हैं, वो चोरी का इस तरह काम करेंगे? जेल क्यों काट रहे हैं, जेल क्यों काट रहे हैं? लड़की को किडनैप क्यों करते हैं सड़क पर चलते हुए? उनकी कोई लड़की की दुश्मनी है?
आप बताइए, लड़की चली जा रही है उसे किडनैप करके वहाँ पे, क्या नाम? और इनसे आप लोग कितने सहमत हैं? अपना अपना जवाब दीजिए। अच्छा, ये आसाराम बापू के बारे में बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, हमें तो आसाराम के बारे में कुछ कहना नहीं है, हमें तो ये सरकार के बारे में बोलना है। सरकार जो भी आए, कोई भी आए, चाहे मोदी जी आए, कांग्रेस आए, गरीब आदमी के लिए कुछ करे तो बताओ। पहले भी 10 साल में इतने दिन हो गए, क्या करा गरीब आदमी के लिए बता दो। किसी के लिए नौकरी लगाई हो? हाँ, इधर 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 क्या कह रहे हैं? महंगाई कह रहे हैं, घटने की जगह महंगाई बढ़ गई। घटनी चाहिए था सरकार जीतने के बाद, तो महंगाई तो और बढ़ गई। क्या चाह रहे थे, कि कांग्रेस आनी चाहिए थी या भाजपा? आनी तो बाजी कांग्रेस ही आनी चाहिए थी, आ गई भाजपा। कांग्रेस आती तो महंगाई कम हो, बाकी होनी तो चाहिए थी भाई हमारे हिसाब से, तो कह नहीं सकते मैम। तो महंगाई जो एक मुद्दा है, वो सबसे मेन मुद्दा यही है। हाँ, मेन मुद्दा जनसंख्या बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है, उसके पीछे जनसंख्या वृद्धि है, आपको ऐसा लगता है? नहीं मैम, ऐसा जनसंख्या निरंतर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, इतने मन उतने बच्चे पैदा करो, नहीं ये तो गलत है। बाकी जितने मन बच्चे, 2-3 बच्चों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2-3 बस, 2 बच्चे से ज्यादा ना होना चाहिए, वो कह रहे हैं 2 से ज्यादा। हाँ तो 2-3 बोल रहा हूँ मैं भी, इससे ज्यादा तो कह नहीं रहा मैं भी। 3 पे जा ही क्यों रहे हो, 2 भी बहुत है। अब लोगों के 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे हैं, तो वो गलत है ना? गलत है वो तो भाई, खाने को है नहीं, 10-10 बच्चे पैदा कर रहे हैं। पहले जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। हाँ ये तो होना चाहिए वहाँ। महंगाई लग रही है? महंगाई तो है ही है। मोदी जी और कांग्रेस में कौन पसंद है? मोदी ही पसंद है। रीजन क्या है, वजह? रीजन क्या जो है वो मेन है, कहने मतलब मुख है, मुख्य है। अरे तो वोट से कोई नेता है ही नहीं उनके मुकाबले में, मुकाबले में उनके कोई नहीं, नहीं कांग्रेस से। कांग्रेस भी राहुल गांधी है, राहुल गांधी है, उनको सब लल्लू कहते हैं। लल्लू कहते हैं क्यों? वो कुछ कुछ बोलते हैं, कुछ उनके मुंह से निकलता है। अच्छा, चलिए आप लोग हमारी बातचीत पर अपनी राय जरूर दीजिए, कि सबसे बड़ा मुद्दा जो लोगों ने कहा है कि जनसंख्या निरंतरण होना चाहिए, तो आप लोग की इस पे क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, धन्यवाद।